हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हमारे पास है रॉयल एनफील्ड से सुपर मीटियोर। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस ब्लॉग के लिए। इसके अंदर आपको टोटल मिलते हैं 3 वेरिएंट्स, 7 कलर्स मिलते हैं। मैं आपको टोटल बताता हूँ क्या प्राइस मिलता है आपको एक शोरूम ऑन रोड मुंबई के अंदर। साथ ही साथ क्या आपको ये लेना चाहिए, कैसा व्हीकल है, GT कॉन्टिनेंटल GT 650 के कैसे अगेंस्ट में कैसा है, इंटरसेप्टर के अगेंस्ट में कैसा है, और साथ ही साथ इसके कॉम्पिटिशन के अंदर बनेले की 502 CC की एक गाड़ी आती है, साथ ही साथ कावासाकी की वॉल्कन एस सीरीज आती है, तो उसके अगेंस्ट में कैसे परफॉर्म करती है मैं वो भी बताता हूँ। ओवरऑल पैकेज आप देख के काफ़ी खुश हो जाएंगे। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है व्हीकल, बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली में, जस्ट लुक्स डैम गुड। जो साइजिंग है ना एक्चुअली में अपना मीटियो 350 जितना ही है, बट जो पावर वगैरह थोड़ा इंक्रीज़ किया गया। सबसे पहले मैं आपके इसके वेरियंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके अंदर टोटल आते हैं 7 कलर्स और 3 वेरियंट्स। अब 3 वेरियंट्स के अंदर आपको मैं फ़र्क बताना चाहता हूँ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, क्योंकि प्राइस रेंज में डिफरेंट है। सो इसके अंदर आपको मिलता है एक एस्ट्रल, साथ ही साथ एक इंटरस्टेलर आता है, जो मूवी वाला इंटरस्टेलर वो वाला एक आता है, साथ ही साथ एक आता है सेलेस्ट्रियल। सेलेस्ट्रियल टॉप मॉडल है, इंटरस्टेलर मिड वेरिएंट है, और एस्ट्रल जो है वो लोवेस्ट वेरिएंट है। अब तीनों के अंदर फ़र्क ये है कि जो स्टाइलिंग क्यूज़ है ना, जो थीम मिलती है आपको, जो कलर्स मिलते हैं, वो सब ही आपको डिफरेंट मिलेगा। ये जो आप वेरियंट दिख रही है एस्ट्रल है। सो इन एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो सेलेस्ट्रियल रहेगा ना यहाँ पर, आपको ऐसा बेसिक 2D लोगो नहीं मिलेगा, आपको 3D लोगो मिलेगा, जो कि पूरा उठकर आता है। सो ये स्टाइलिंग की उसको आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। सो एस्ट्रल का प्राइस आपको मिलता है 4,18,000 का ऑन रोड मुंबई का, इंटरस्टेलर का आपको 4,32,000 का मिल जाता है, और जो अपना टॉप मॉडल है सेलेस्ट्रियल, जिसके अंदर टूरिंग किट वगैरह इंक्लूडेड रहता है, उसको मिलेगा आपको 4,50,000 का। सो ये होगा इसकी प्राइसिंग वगैरह। और कलर की फिनिश बहुत अच्छी है एक्चुअली में, आप देख सकते हो शाइन वगैरह, लुक्स रियली नाइस। बिल्ड क्वालिटी के बारे में आगे बात करते हैं, मैं आपको अब दूसरी चीज़ें शो करता हूँ। चलिए अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले ये BS6 कंप्लाइंट इंजन है, जो कि आता है 648 CC का, बहुत अच्छा इंजन है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड दिया गया है। जो इसकी पावर है वो मिलती है आपको 46.3 BHP का पावर मिल जाता है, साथ ही साथ इसके अंदर मिलता है आपको 52.3 NM टॉक, रियली नाइस टॉक दिया हुआ है। जो क्रूजर रहता है उसके लिए टॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर इंपॉर्टेंट नहीं है। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फिगर्स दिए हैं। साथ ही साथ इसके अंदर वेट मल्टीप्लेस क्लच मिलता है, चेन ड्रिवन व्हीकल है, आपको मैं अपोजिट साइड शो करता हूँ। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 6 गियर मिलते हैं, जो अपने को वेट मल्टीप्लेट क्लच के साथ मिलते हैं, विथ डुअल चैनल ABS के साथ ये गाड़ी आपको देखने मिलती है। चलिए अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में एक नेगेटिव पॉइंट है जो आपको बताना चाहता हूँ, वो है इसका कर्व वेट। ये इसका एक कॉन्स के अंदर काउंट होता है। इसका जो कर्व वेट है वो है 241 kgs, जस्ट रियली डैम हैवी एक्चुअल में, बहुत ज़्यादा हैवी है। यहाँ पे लाइक जो एम्प्लॉइज उनको इशू हो रहा है इस चढ़ाने उतारने में, इट्स दैट हैवी। सो सबसे पहले इसकी लेंथ बताना चाहता हूँ आपको। उसके अंदर आपको मिलती है 2260 mm की आपको लेंथ मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी लेंथ दी गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग व्हीकल, इट्स लुक्स रियली नाइस, काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। साथ ही साथ जो विड है वो आपको मिलती है 890 mm की, बहुत अच्छी विड दी गई है। आप देख सकते हैं फुल क्रूजर टाइप की वाइब है। बट एक चीज़ याद रखना है, अगर आपको गार्ड लगाना है ना, तो इसकी विड और बढ़ जाएगी, सो रिमेंबर डैट। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो हाइट मिलती है वो मिलती है 1155 mm की, जो कि बहुत अच्छी हाइट है। सीट हाइट आप सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा, इसके अंदर सीट हाइट मिलती है आपको 740 mm की, जो कि बहुत अच्छी और काफ़ी ऑप्टिमम रखी गई है, और सीट इज़ रियली नाइस। इसके बारे में आगे बात करते हैं। साथ ही साथ चलते हैं अब इसकी फ्रेम की तरफ। जो फ्रेम इसके अंदर आपको मिलता है ना बैक का, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्टील टॉब्यूलर फ्रेम मिलता है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्रेम है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, बिल्ड क्वालिटी का आपको कोई इशू नहीं रहेगा। और जो व्हील बेस आपको मिलता है, वो व्हील से लेके व्हील का गया, वो आपको मिलता है 1500 mm का, जो कि बहुत अच्छा मिल जाता है। साथ ही साथ इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो मिलता है 135 mm का, ये ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको। तो ये है उसका ओवरऑल पूरा डायमेंशन। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना बोले वीडियो को, बहुत ज़्यादा क्लोज है 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। चलिए अब इसका वॉक थ्रू स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मेरे को आपको दिखाना है कुछ चीज़ें जो कि मैं बहुत अच्छी लगी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे नंबर प्लेट की हेडिंग दिखती है सुपर मीटियो 650 की जगह पे। जो हेडलैम्प आपको मिलता है, ये फर्स्ट है रॉयल एनफील्ड के अंदर, जहाँ पे आपको LED हेल्प लैम्प देखने के लिए मिलता है, दो भाग में डिवाइडेड है, अपर एंड डिपो आपको मैं आगे शो करता हूँ। जो इंडिकेटर्स है ऑल, तो वो आपको हेलोजन ही मिलती है एज ऑलवेज। रॉयल एनफील्ड यही चीज़ करता है, कुछ चीज़ अच्छी प्रोवाइड करता है तो कहीं पर मार खा जाता है, सो कोई बात नहीं। सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो चीज़ देख रहे हो ना आप सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन, ये अपसाइड डाउन फोक्स है USD के। शोभा के आपको ब्रांडिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, बहुत अच्छे सस्पेंशन है, ये न्यूली इंट्रोड्यूस किए हैं कंपनी ने, आप देख सकते हो। यहाँ पे बाइबर्स के आपको ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही साथ आपको 320 mm की यहाँ पे फ्रंट में डिस्क देखने के लिए मिलती है, विद डुअल चैनल ABS। जो फ्रंट टायर आप देख रहे हैं आपको,
19 इंच का मिलता है विद अलॉयज। सो अलॉय व्हील है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है पता है आपके, आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ है क्रूजर के लिए। सीएट की तरफ से टायर्स आते हैं, साथ ही साथ ये 90x100 के टायर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। फ्रंट टायर बाइबर के डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आप हॉर्न देख सकते हो, सिंगल हॉर्न मिलता है बट बहुत लाउड है, आपको मैं आगे शो करता हूँ। और यहाँ पे आप रेडिएटर की ग्रिल देख सकते हो, छोटी ग्रिल है बट गाड़ी इतनी हीट नहीं होती है, सो इट्स कूल। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने मिलते हैं, साथ ही साथ अपोजिट साइड भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने मिलते हैं। ये कलर आप बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा हल्का सा टेक्सचर उसके ऊपर डायमंड है, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो एल्युमिनियम का काफ़ी ज़्यादा सही इस्तेमाल किया गया, लुक्स रियली नाइस। आप चलते हैं इसके मेन टैंक की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हो टैंक पे आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग दिखती है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको इनिशियल देखने के लिए मिलता है टैंक के शेप का, बहुत अच्छा लगता है। इसका एक और कलर है जो कि ये है ऊपर कप पे, ये 3D है, सेलेस्टियल वाले में आपको देखने मिलेगा 3D लोगों के साथ, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ आप देख सकते हो आपको 648 सेंटीमीटर, ये इसका CC के बैजिंग दी हुई है, जिसके ऊपर टेक्स्चर आप बहुत अच्छा प्रीमियम देखने के लिए मिलता है। यहाँ आप साथ ही साथ जो टॉब्यूलर फ्रेम है ना, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, जो आपको फ्रेम बता रहा था मैं, पूरा का पूरा टेक्स्चर्ड है, पाउडर कोडेड और लिटरली ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलेगा, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड की। अब चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे आपको गियर लीवर देखने मिलता है, यहाँ पे आपको इंजन टॉप अप करने के लिए देखने मिलता है, यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स मिलते हैं देखने के लिए, इंजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पे आपको ऑयल देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे अपना एग्जॉस्ट पाइप जा रहा है। जो लीवर्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जिसको पोस्चर है ना फुल हार्ली जैसा आप बोल सकते हैं, क्रूजर बाइक की तरह, जो कि बहुत अच्छा है, आप लिटरली काफ़ी कंफर्टेबली इसे लंबा लंबा लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ है जो कि मेरे को एक इसका नेगेटिव पॉइंट लगा, रॉयल एनफील्ड के अंदर कैसा होता है पता है कि जो 650 GT वगैरह है, जो ये फुटरेस्ट है ना, ये दिस वन आगे वाला, ये यहाँ पे था, सो उसकी वजह से कैसा रहता था, गाड़ी आगे पीछे लेने के लिए ना वो पैर में अड़ता था। अब लोग ने वो तो आगे कर लिया, बट ये जो प्लास्टिक का चीज़ है ना, ये पैर में बहुत अड़ता है, दिस वन दिस पार्ट जहाँ पे मीटर 650 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पैर में अड़ता है पार्ट, सो आपको आगे पीछे लेने में काफ़ी इशू होगा, बिकॉज 240 किलो की गाड़ी है ये, सो आपको थोड़े बहुत इश्यूज़ फेस करने हो गए वो एंड में। यहाँ पे आप पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने के लिए मिलती है, और एग्जॉस्ट का पाइप बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए, जो अपना GT 650 है उसके मुकाबले में काफ़ी छोटे एग्जॉस्ट पाइप दिए गए हैं, बट एग्जॉस्ट नॉट इज़ जस्ट फिनोमिनल, बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। यहाँ पे आप बैक की तरफ आते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले हिंज देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आप अपना टूरिंग वगैरह लटका सकते हो, साथ ही साथ इसके अंदर हार्ड लगेज का भी एक ऑप्शन है, जो कि आप रॉयल एनफील्ड से लगवा सकते हैं। जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये हार्ड लगेज लगाने के लिए ये काफ़ी अच्छी फिनिश दी गई है। साथ ही साथ चलते हैं अब इसके बैक टायर की तरफ, बैक टायर आपको 16 इंचेस का मिलता है, बहुत अच्छा लग रहा है टायर देखने के लिए। आपको 300mm की डिस्क देखने के लिए मिलती है, साथ ही साथ ये बाइबर के आपको ब्रेक्स देखने के लिए मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ है जो पीछे का टायर है, वो भी आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है विद अलॉय व्हील्स, काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, काफ़ी भरी भरी लग रही है गाड़ी, बहुत अच्छी लगती है। जो पीछे के सस्पेंशन आपको मिलते हैं, वो आपको ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स मिलते हैं, बहुत अच्छा सस्पेंशन है, दे आर रियली नाइस, रियली कम्फर्टेबल, विद काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिश देखने के लिए मिलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो पाउडर कोटिंग है ना, जो चेसिस के ऊपर आपको मिली है, इट जस्ट रियली डैम ग्रेट। फ्यूल टैंक की एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि बहुत ज़्यादा क्लीन एंड नाइस टच है, जो कि क्लेवर भी है, ये हिंज है, ये ऊपर जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको की डाल के इसे घुमाना रहेगा अपोजिट साइड, प्रॉपर आपको दो हिंजेस देखने के लिए मिलते हैं। अब चलते हैं इसके बैक की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपनी रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने के लिए मिलती है, और साथ ही साथ जो अपना क्लासिक मिलता है आपको टेल लाइट, वो भी देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है देखने में। और यहाँ आप देख रहे हैं इंडिकेटर, यहाँ पे भी आपको पीछे हैलोजन देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे नीचे नंबर प्लेट के लिए एक लाइट मिलती है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का होल्डर मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको तीन रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं साइडवेज एंड एक बैक के लिए। जो टायर आपको पीछे का मिलता है वो 150x80 का मिलता है, बहुत अच्छा टायर दिया गया, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मोटा टायर है, मेरा हाथ एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दोनों एग्जॉस्ट यहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं इसके अपोजिट साइड में, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन है, ये आप देख सकते हो चेसिस में को आपको एक्चुअल में दिखाना है, पूरी की पूरी टेक्सचर चेसिस है, बहुत अच्छी लगती है देखने के लिए। यहाँ पे आपको शोभा वगैरह की ब्रांड नहीं देखने के लिए मिल जाती है, रियली नाइस टच है। साथ ही साथ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको टेक्सचर के लिए एल्युमिनियम मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग आ रही है एक्चुअली में, 4 लाख के अंदर बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है आपको। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिलती है, जैसे आपको अपोजिट मिल रही है, यहाँ पे वही आपको इंजन का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड का हिंज टाइप का लॉक मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे आप बैटरी वगैरह एक्सेस करने के लिए इसे ओपन कर सकते हैं की होल की मदद से। यहाँ पे सुपर मीटर 650 लिखा हुआ है, साथ ही साथ आप बैक में चलते हैं, यहाँ पे आपको ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे आपको एक हिंज देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे आपको हार्ड लगेज भी लगा सकते हो, यहाँ तो आप ये पे गार्ड लगा सकते हो, यहाँ पे आपको दूसरा एग्जॉस्ट पाइप देखने के लिए मिलता है, जो एक इशू है जैसे कि दूसरे गाड़ियों के अंदर भी आपको मिलते हैं, रॉयल एनफील्ड हो गया, निंजा हो गया, ये चेन ड्रिवन व्हीकल है बट जो चेन है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज है,
यहाँ से आप देख सकते हैं आपको बेटर लुक मिलेगा। जो चेन है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड है, सो आप क्रूजिंग वगैरह कर रहे हो, ऑफ रोडिंग के लिए इसे लेके जा रहे हो कहीं पे भी, तो कीचड़ वगैरह जाने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है, जिसकी वजह से चेन की हेल्थ डिक्लाइन होती है, जिसकी वजह से चेन सॉकेट आपको बार बार बदलना पड़ेगा। सो एक ड्रॉबैक है, सो इसे बार बार लुब्रिकेंट कराते रहिए, साफ़ कराते रहिएगा। सो इट्स जस्ट अ टिप। अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक वगैरह के बारे में, बिकॉज ये क्रूजर व्हीकल्स और माइलेज रेंज, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको जो मिलती है टोटल कैपेसिटी 15.7 लीटर्स की मिलती है, जिसके अंदर आपको 5 लीटर के आसपास आपको रिजर्व मिल जाएगा, और जो एवरेज है आपको हाईवे पर क्रूजिंग वगैरह करते समय आपको 20 से 22 का मिलेगा। सो उसके हिसाब से आपको टोटल रेंज मिलती है इसके अंदर आपको 340 किलोमीटर से लेकर 400 तक आपको मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेंज दी गई, 350 किलोमीटर भी आपको मिलती है 22 के हिसाब से। सो इट्स रियली नाइस, आप लंबा लंबा इसे ईजिली लेके जा सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि आप एक्चुअली में गाड़ी एक्सेस कर सकते हो या नहीं हो। सो सबसे पहले मेरी हाइट है 6 फीट की, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी कंफर्टेबली इसके ऊपर बैठ रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे भी पैर पहुँच रहा है और यहाँ पे भी पैर पहुँच रहा है, परफेक्टली पहुँच रहा है, लिटरली दोनों एड़ी वगैरह सब टच हो रही है नीचे, बहुत ज़्यादा अच्छा पोस्चर मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फ्रंट में रखने होंगे दोनों जगह, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोस्चर देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ जो सीट है यहाँ पे आपको हल्का सा ना हिंज देखने के लिए मिलता है जो ऊपर उठा हुआ है, सो आपको बैक को है ना रेस्ट मिल जाता है, और जो आप पोस्चर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके सीट एंड कंफर्ट की तरफ। तो सबसे पहले जो आपको बताना चाहता हूँ मैं, इसका एक जो माइनस है कौन है, जो पिलियन है ना उसके लिए सीट एक्चुअली में थोड़ी टेपेड टाइप है, आप देख सकते हो थोड़ा पीछे साइड जाते जाते नैरो होते जाती है। क्वालिटी बहुत अच्छी दी हुई है, लेदर स्ट्रैप वगैरह भी आपको देखने के लिए मिलते हैं जो काफ़ी अच्छा टच है, बट जो पीछे जो पिलियन बैठेंगे ना, अगर आपका लाइक वेट ज़्यादा है तो आपके लिए काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो सकती है ये पोजिशन। ऑल तो जो राइडर है इट्स जस्ट रियली नाइस, ऐसे चलता फिरता सोफा है बेसिकली, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है सीट, इज़ रियली नाइस एंड कंफर्टेबल फॉर फॉर राइड्स एंड ऑल। यहाँ पे आपको टच वगैरह नहीं देगा। साथ ही साथ जो मैं आपको बैकरेस्ट का बता रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा एक हिंज दिया हुआ है जो कि आपको बैकरेस्ट देता है। साथ ही साथ अगर आपको बैकरेस्ट चाहिए ना, तो हम यहाँ पे एडिशनल एक्सेसरीज वगैरह लगा के लगवा सकते हैं। क्रूजर किट आता है इसका टोटल, बट एक चीज़ याद रखना कि गाड़ी ऑलरेडी है 240 किलो की, सो उसमें क्या होगा मालूम, कि आप बैकरेस्ट वगैरह लगाओगे, साइड के हैंडल बस वगैरह लगाओगे ना, तो ऑलमोस्ट 250 से लेके 260 किलो तक गाड़ी चले जाएगी एक्सेसरीज वगैरह लगाने के बाद। चलिए अब हैंडल कंट्रोल्स वगैरह में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मिरर्स दिखाने हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, दे आर टाइनी एंड सो डैम प्रीमियम ना, आप देख सकते हो टोटल आपको H2H मिरर देखने मिलता है जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे ना आपको GTSF के अंदर यहाँ पे आपको फाइबर वगैरह का देखने मिलता है, ये आपको एल्यूमिनियम के कार्ड मिलते हैं बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस है, ये प्लास्टिक है, ये एल्यूमिनियम लग रहा है बट इट्स प्लास्टिक, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, क्वालिटी इज़ रियली सर्टिफाइड एंड एनफील्ड, रियली ग्रेट वर्क किया। तो सबसे पहले आपको मैं हैंडल दिखाना चाहता हूँ, लुक्स रियली नाइस, क्रूजर टाइप की वाइब है अपनी। सो सबसे पहले आपको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ इसका क्या कंट्रोल्स वगैरह। आपको 2 कीज़ मिलती है, ऐसी मिलती है, आवाज़ सुन सकते हैं आप रेडिएटर की, या आपको स्मूथ एनिमेशन देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको नेविगेशन सिस्टम मिलता है जो कि आप कनेक्ट कर सकते हो, और ये एड ऑन एक्सेसरीज़ है, ये नोट कीजिए प्लीज़। यहाँ पे आपको लो फ्यूल की बैटरी मिल जाती है, बैटरी की मिल जाती है, न्यूट्रल इंडिकेटर मिलता है, ABS की लाइट मिल जाती है, साथ ही इंजन की लाइट मिल जाती है, और यहाँ पे आपको लीक की लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाता है, ट्रिप ऐप देखने के लिए मिलती है, और जो कंट्रोल करेंगे आप वो आप यहाँ से करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा बटन है तो ट्रिप एफ पे है, ऑडोमीटर पे आ जाएगा, ट्रिप ए पे आ जाएगा, ट्रिप बी पे चले जाएगा, ट्रिप एफ। सो ये ओवरऑल आपको मिलता है। यहाँ पे आपको इको मोड मिल जाता है, गियर के इंडिकेटर मिल जाती है, टाइम मिलता है, फ्यूल का गॉग मिल जाता है। सो ये है ओवरऑल। इसके अंदर आपको RPM डेमीटर देखने नहीं मिलता है, क्योंकि RPM मीटर का ऐसे कुछ खास ज़रूरत नहीं है, सब क्रूजर व्हीकल। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है छोटा, जिसके अंदर आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन कर सकते हैं, म्यूजिक वगैरह प्ले कर सकते हैं, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। सो ये है इसका ओवरऑल कंट्रोल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या इसके अंदर इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फुल देखने मिलेगा, ये देखिए ये टोटल इसके इंडिकेटर्स हैं, साथ ही साथ ये LEDs इसकी जो आप देख सकते हैं, ये है इसका ओवरऑल कंट्रोल्स। सो ये आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, जो हॉर्न है वो आपको देखने मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हॉर्न है सीरियसली, और इसका स्टार्ट है, यह है इसका एग्जॉस्ट नोट। और इसका एक हजार्ड लाइट का मोड भी आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे आप बैक से देख सकते हो, आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगी। सो फाइनली ये थी रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटर 650, बहुत ज़्यादा अच्छा व्हीकल। यहाँ पे आप बैजिंग देख सकते हो सुपर 650 की लगी हुई, बहुत अच्छा लगता है देखने के अंदर व्हीकल, जो कलर्स वगैरह, जो स्कीम है, जो बिल्ड क्वालिटी है, जस्ट रियली डैम गुड सीरियसली। जितने भी व्हीकल्स देखे उसमें से बेस्ट देता है रॉयल एनफील्ड बिल्ड क्वालिटी, और आपको लंबे समय तक कुछ करना नहीं रहेगा, बिकॉज पाउडर कोटिंग टेक्सचर वगैरह सब देके रखे, तो सालों साल चलेगी गाड़ी। सो ये थी ओवरऑल मीटर 650। आपको कैसा लगा है व्हीकल मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। प्राइस रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई, तगड़ी रखी गई है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा,
GT650 के अगेंस्ट आ जाती है, वुल्कन एस की तरफ आ जाती है, बेलानियर की 502 आ जाती है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और बहुत अच्छा प्राइस रेंज रखा गया है। सो आप कंसीडर कर सकते हो इंस्टा मोटर की, आपको रॉयल एनफील्ड की जितनी भी डिटेल्स है कॉन्टैक्ट वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन के मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन पीस आउट।